मैं अभी UPSSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, और कभी भी यार इंफॉर्मेशन देखना हो तो ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करो, या किसी जेन्युइन, जैसे मैं एक जेन्युइन वीडियोस बनाता हूँ तो ऐसे चैनल्स पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे यार आज जैसे तुम देख सकते हो, राजस्व लेखपाल परीक्षा हेतु ये ना क्या नोटिस आया। चलो यार देखते हैं, क्लिक करते हैं और पता करते हैं क्या नोटिस है। तो यार ये डाउनलोड हो गया है, और इसमें ये है यार, राजस्व लेखपाल का जो एग्ज़ाम 19 जून को होना था, प्रॉपर कैलेंडर UPSSSC ने निकाला था, वो अब एक्सटेंड हो के 24 जुलाई तक चला गया है। यार मेरा कहना है यार, जब भी UPSSSC या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई भी डेट डिसाइड करते हैं, तो वो सारा पैरामीटर्स को तो ध्यान में रख के ही करते होंगे ना। एक बार डेट डिसाइड हो गया, फिर ये डेट पोस्टपोन, एज लॉन्ग एज लाइक कोविड आ गया था तो उसमें ठीक है यार, मतलब कुछ किया ही नहीं जा सकता, इट्स अ ग्लोबल थिंग। लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, फिर भी स्थगित दूसरा डेट, ये क्या नौटंकी मजाक बना रखा है। अब बहुत बंदे बोलेंगे यार तुम्हें टाइम मिल गया, और भाई ये टाइम मिल गया तो ऐसे तो यार पूरे फिर नवंबर दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दो, टाइम ही टाइम मिलता रहेगा भाई, एक फ्लो होता है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है यार, एक कट ऑफ रिलीज हुआ, उस कट ऑफ को जितने बंदों ने क्रॉस किया उसको मेन सिनी का एग्ज़ाम में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट, मौका मिलेगा। जिन्होंने नहीं किया वो रिजेक्ट हो गया, इट इज़ एज सिंपल दैट। और किसी भी एग्ज़ाम में तो वो यही होता है ना, इसमें कुछ नया तो है नहीं। फिर परसेंटाइल को घटाओ, दिस और दैट करो, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? दिस इज़ हॉरिबल, लिटरली हॉरिबल, एंड आई डोंट थिंक सो दिस इज़ राइट थिंग एज फार एज एनी सीरियस एस्पिरेंट इज कंसर्न। क्या कुछ वैलिड रीज़न भी तुम नहीं दे रहे हो, किंतु अपरिहार्य कारणों की दृष्टिगत प्रसंगत विज्ञापन के लिखित परीक्षा, बस मतलब क्या कोई एग्जैक्ट रीज़न तो दो, कुछ भी ऐसे ही बोल दो कि। और तो यार ये सब चीज़ें, एक और एग्ज़ाम विज्ञापन संख्या दिस एंड देयर, इसका भी एग्ज़ाम 29 जून को होने वाला है, जो जून को होने वाला था, अब वो भी 17 जुलाई 2022 को होगा, राइट। सो यार एक तो क्या बोलोगे यार, इसमें एक सही चीज़ नहीं है यार, तुम इतना टाइम लेते हो कैलेंडर रिलीज़ करने में, उसमें भी डेट डिसाइड कर दो, उसके बाद भी 50 नौटंकी, कैंसिल, ये पोस्टपोन हो गया, यार क्या मजाक चल रहा है क्या? दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ वेरी डेवस्टेटिंग एज फार एज लाइक दिस इज़, तुम यार रिलाई नहीं कर पाते हो ना, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो यार, अगला डेट भी ऐसा ही कुछ होगा क्या? और कुछ एक स्पेसिफिक एक राइट रीज़न भी नहीं है कि हाँ यार ये रीज़न है इसलिए हो रहा है, कुछ भी शक्ल उठा के कर, कोई भी यू नो। ये एक सही चीज़ नहीं था, 19 जून को ही एग्ज़ाम होना चाहिए था, जो कि अब नहीं होगा, और एक सैड चीज़ है यार, जो बंदा जेन्युइनली पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ऐसे बंदों के लिए यार ये बहुत ऐसी न्यूज़ बहुत डिसहार्टनिंग हो जाती है, फिर मोराल डाउन हो जाता है ना, फिर एक 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 एम के साथ तुम फ्लो में पढ़ते हो तो सही रहता है, चीज़ें एक प्रॉपर वे में चलती हैं, फिर ये डेट दैट डेट दिस दैट,
तो चीज़ें क्यों गड़बड़ होने लग जाती हैं और उसका सही इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, राइट। तो बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो गाइस यही है यार इस वीडियो में। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर जरूर करो और लाइक भी करो। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट